तो हे गाइस दोस्तों, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया? तो आज मैं लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। इसमें हम करेंगे बात क्लास 8 के चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। तो मैं बताऊंगा आपको कि प्लेइंग विद नंबर्स का मतलब क्या होता है, और ये जो नंबर्स होते हैं इनके जनरल फॉर्म क्या होते हैं। बेसिकली दो फॉर्म होते हैं, एक होता है जनरल फॉर्म एंड सेकंड वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया। मैंने लिखा 28। मैंने क्या लिखा दोस्तों, 28। अब बताइए 4 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ 6 से, तो 4 6 24 +4 = 24। इस तरह से कोई एक और नंबर ले लेते हैं 37। तो 37 जरूरी नहीं है कि तुम्हें यही नंबर बनाना, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। इसको जैसे मैंने 37 लिया, इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, 6 6 36 +37, 5 7 35 +2 37। और किस तरह से बन सकता है, 10 × 3 30 + 7। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आप ये आपके पास, ये आपको चॉइस रहती है कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। इसमें आपको फुल्ली इंडिपेंडेंसी दी जाती है कि आप किसी भी तरह से इसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है, इस तरह से मैं आगे करना होगा सारे सवाल। और एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 351। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों? और हाँ, एक और बात, अगर आप चाहें मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाहते तो आप सीधा सीधा इनको ऐड भी रख सकते हैं। जैसे मैंने ये करके दिखा रहा हूँ, 300 +50 + 1। इट मीन्स क्या हो गया दोस्तों, 300 + 50 350 एंड 1, तो 351। इस तरह से एक और देख लेते हैं, 497। तो उसको कैसे कर सकते हैं हम, 400 + 90 + 7। तो जितना ईजी तरीके से कर सकते हो आप उसको, उतना ईजी तरीके से करने चाहिए। तो ये है दोस्तों प्लेइंग विद नंबर्स का जो टॉपिक था, वो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी चैनल पर आने वाला है। तो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड। बाय दैट।